अस्सलाम वालेकुम। देखिए ईद में स्पेशल हमारे पास शोरा कोरमा बिरयानी बनी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करिए। देखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो लास्ट तक वॉच करिए। ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। शोरा कोरमा और बिरयानी बनी हमारे पास, आपके पास क्या बना कमेंट करिए। चांद नज़र आ गया है, चांद रात के दिन। देखिए ड्राई फ्रूट काजू बादाम चिरंजीवी, देखिए पूरे गर्म पानी में अच्छा सा पानी में दो पानी में अच्छा धोकर भिगा कर रखे थे। बाहर शॉप में लेकर आते ना गंदगी रहती, पूरी अच्छा क्लीन कर रखे हूँ। क्लीन कर गर्म पानी में देने के बाद सुखा कर अपने हिसाब से अपने जो शेप कट करना है वो शेप से कट कर रख सकते। देखिए मैं इस तरीके से शेप कट करी। असली घी ली मैं, हमारे पास डालडा नहीं जमता तो घी है, ये 1.5 किलो घी। लेकर अच्छा सा गर्म होने के बाद चूल्हा मीडियम फ्लेम पर रख देना है। इसको रख कर बादाम अच्छे से ब्राउन कलर आने तक तल लेना है। इसको वीडियो में दिखा रही ना, इस तरीके से आप जो भी ले लेके तल ले सकते किसमें भी। अच्छा सा पैन ले ली मैं, पैन लेकर घी डालकर अच्छा सा गर्म होने के बाद स्लो करके मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा ऐसा इस तरीके से तल लेना है पूरा चीज ब्राउन कलर। देखिए इस तरीके से तल लेकर साइड में हटा कर रखना है। एक 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 स्टेप बाय स्टेप तल लेना, पूरे एक साथ तल लिए तो वो छोटे हैं ना, छोटे छोटे तो जल्दी जलने के चांसेस रहते, एक साथ नहीं भुनना, अलग अलग कर कर। देखिए काजू पहले बादाम तल ली मैं, उसके बाद काजू तल ले रही। देखिए इस तरीके से काजू ले रही, ये भी साइड में रख ली मैं। हर चीज तल ले कर रख देना है। ये चिरंजीवी खरबूज तरबूज के बीज है, इसको भी अच्छा सा तल लेना है। ये भी साइड में रख देना है। किशमिश ले लेना, किशमिश भी तेल में अच्छा सा तल कर रख देना। सूखे बादाम भी डाल सकते, खजूर सॉरी सूखे खजूर भी डाल सकते, मैंने डाले स्किप करे, इसमें स्किप भी कर सकते डाल सकते। देखिए किशमिश अच्छे से इस तरीके से तल लेना है, तल लेकर हटा कर रख देना है इसको। पूरे ड्राई फ्रूट तलने का हो गया, हटा कर रखती हूँ पूरी चीज़। उसके बाद 8 से 10 हरी इलायची अच्छा सा बारीक कूट कर घी में डाल ली, जो बचे हुए घी थी ना ड्राई फ्रूट तलने के बाद, पूरी घी में इलायची का पाउडर डालकर अच्छा सा भून ली। सेवियाँ तल लेना जितने अपन को लगते 2 लीटर के हिसाब से, उतने सेवियाँ तल ली, तल लेकर हटा कर रख दी। ये 2 लीटर दूध, एक बड़ा सा
पतीला ले लेकर इस पर रख दी मैं। 2 लीटर दूध का बनाई मैं ईद में, अच्छा सा गर्म होने देना ये दूध, थोड़ा हल्का सा गर्म होने के बाद देखिए शक्कर डाल लेना। शक्कर डालने के बाद जो पकने देना ना, 2 लीटर जाकर 1.5 लीटर बन जाना है, अच्छा हिलाते हिलाते पकाना है। साइड में मलाई और दूध का कलर चेंज हो जाता है जब तक पकाना है इसको। बीच बीच में हिलाते रहना, हिलाते बनाना। मलाई साइड में आती ना, हटाकर अच्छा सा हिलाकर पकने देना। देखिए इसका दूध का रंग चेंज हो गया है, इस तरीके से बनाना। इसमें काजू बादाम का पेस्ट भी डाल सकते, स्किप हो गया वीडियो में, मैं थोड़ा सा काजू बादाम पेस्ट, तले हुए काजू बादाम का पेस्ट डालूँगा। अच्छा सा दूध भर गाढ़ापन आया, ये इस तरीके से आ गया। 2 लीटर में तले हुए सेमिया डाल लेना, 1.5 लीटर हो गया वो दूध, ये इस तरीके से जितने लगते थोड़ा डालना, अच्छा रहते नहीं तो गाढ़े हो जाते ज़्यादा डालता है तो। सेमिया देखिए मैं थोड़े से डाले, 10 मिनट पकने देना है इसको तक, हल्का सा हिलाकर जल्दी पक जाते सेमिया, ये इस तरीके से 10 मिनट दम पे रख देना है इसको। अच्छा से दम पर देखिए रेडी हो गया सेमिया, के बाद ड्राई फ्रूट डाल लेना। देखिए इस तरह ज़बरदस्त बना, ईद में जो बनते ना बहुत मज़े के बनते, बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप कैसा बनाते कमेंट करिए। ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये गाढ़ापन और अच्छा मिठास पूरा बराबर हो गए, बहुत अच्छे बने, बहुत ज़बरदस्त बने। अब मैं दिखा रही ना इस तरीके से बनाइए, आप कैसे बनी, रेसिपी कैसी लगी आपको, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।